रोटी भी बनाना सिखाऊंगी। पहले आटा को ले लो, उसको ऐसे उसमें जल्दी से आटा में करके फिर उसको इधर रख दो, फिर थोड़ा धीरे धीरे करो जिससे कि वो चिपक के थोड़ा खराब ना हो जाए। फिर उसको फिर से उठाओ, फिर ऐसे उल्टा करके साफ कर दो, फिर धीरे धीरे बेलते जाओ। देखो रोटी कैसी बन रही है, अच्छी बन रही है। फिर से उसको पलट के फिर से जोर करा और फिर दूसरी तरफ से भी पलट के जोर करा, ऐसे करते जाना है क्योंकि ना मम्मा पापा मुझे सिखाते हैं। और ऐसे जोर करके जाओ और फिर से उसको उल्टा करके पलट देना है, फिर से जोर कर दो, फिर से थोड़ा आटा भी लगाना पड़ता है जिससे कि वो थोड़ा ज्यादा ना चिपक जाए। देखो फिर आटा लगा, फिर से उसको ढक दिया, फिर जोर कर दो, फिर से उसको ऐसे उल्टा करके पलट लो, फिर जोर कर लो। और फिर उसको फिर बाद में ऐसे करके थोड़ा अच्छे से ऐसे पलट दो ध्यान से, फिर जोर कर लेना है इस तरफ से भी उस तरफ से भी, क्योंकि उसको मोटा भी करना पड़ता है। देखो रोटी बन गई, इसको फिर इधर रख देना है, फिर दूसरी रोटी लेके उसको इसमें थोड़ा आटा में फिर से लगा देना है। एक एक करके ऐसे जाना है, पूरे एक साथ चिपक के नहीं, वरना तो वो बड़ी रोटी बन जाएगी, फिर कोई खा नहीं पाएगा। इसको धीरे धीरे जोर करते जाओ और थोड़ा धीरे से ध्यान से भी। अगर वो थोड़ी चिपक गई तो क्या होएगा, वो फिर फट जाएगी। फिर से उसको आटा में लगा लिया, फिर उठा के इधर रख के जोर कर दो। लेकिन आज अभी किचन थोड़ा गंदा हो रहा है, इसे मैं थोड़ा ध्यान से आपको सिखा रही हूँ। तो इसको एक करके ऐसे जोर कर दिया और फिर से पलट दो और फिर जोर कर दो, फिर से उसको आटा में डाल दो, फिर दूसरी तरफ से उठा के उधर से भी आटा से डाल दिया आटा, फिर उसको फिर जोर कर ऐसे करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अगर फट गई तो कोई बात नहीं, फिर से आप बना लेना। थैंक यू। फट गई।